तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ इन सेट ए, सेट ए हमें दिया हुआ है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद ये कहा गया है कि ये शो कर दीजिए द गिवन फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, हेंस फाइंड एफ इनवर्स, अगर 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स निकाल दीजिए। चलिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमारा फंक्शन जो है वो सेट ए पर, सुनो ध्यान से है ना, कि हमारा फंक्शन सेट ए पर डिफाइंड है। अगर कभी भी मैथ्स में ये कहा जाता है कि कोई भी फंक्शन सेट ए पर डिफाइंड है तो इसका मतलब ये है दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, वो सेट ए से सेट ए पर डिफाइंड है। यानी सेट ए क्या है, रियल माइनस 2/3, यानी पूरे रियल नंबर होंगे लेकिन 2/3 नहीं होगा। तो ना ही तो डोमेन में 2/3 होगा और ना ही कोडोमेन में 2/3 होगा, और फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे कहा गया है कि चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना इस फंक्शन को, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक। 4x + 3/6x - 4। अब इसने हमसे कहा है कि इसका आप 1 चेक कर लीजिए और ऑन टू चेक कर लीजिए, ठीक। तो हम इसका 1 और ऑन टू चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 ऑन टू, 1 फिर चेक करते हैं इसका ऑन टू, और 1 ऑन टू अगर चेक हो जाएगा तो फिर हम इसका निकाल देंगे इनवर्स, ठीक है जी। इसका इनवर्स हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो पहले 1 चेक करते हैं, तो 1 चेक करने के लिए फंक्शन ऑफ एक्स को पुट करते हैं फंक्शन ऑफ वाई के बराबर, ठीक। तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारा बराबर पुट किया जाता है फंक्शन ऑफ वाई के। फंक्शन ऑफ एक्स हमारा है 4x + 3/6x - 4, ये फंक्शन ऑफ वाई के बराबर पुट हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा 4y + 3/6y - 4। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y मल्टीप्लाई होगा 4x + 3 से, तो ये हो जाएगा 24xy + 18y - 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -16x - 12 इज इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में कितना जाएगा 24xy + 18x - 16y - 12। तो यहां पर -12 और -12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 24xy कैंसिल आउट हो जाएगा, 18y + 16y हो जाएगा 34y इज इक्वल्स टू 8x कहाँ से आया था, ठीक, 6xy जब मल्टीप्लाई हुआ था 6 से, तो ये 6x मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, तो ये 18x आना था, ठीक। भाई 6x मल्टीप्लाई हुआ 4y से तो आ गया 24xy, तो 6x जब मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो क्या आया 18x आना था ना, गलती हो गई थी। तो अच्छा सामने देखिएगा 18x + 16x तो कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y, ये y इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक। तो अगर फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ y के बराबर पुट करने के बाद अगर y इज इक्वल टू x आ गया तो फंक्शन 1 है, ठीक। ऑन टू की प्रक्रिया जरा चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए फंक्शन ऑफ x हमें दिया हुआ है 4x + 3/6x - 4। ऑन टू के लिए फंक्शन ऑफ x को हम y मान लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4x + 3/6x - 4 के। यहां से आपको सिर्फ x अकेला निकालना होता है, भाई यहां पर y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x, यहां पर y अकेला है और x में घमासान मचा हुआ है, लेकिन आपको x अकेला चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये हो जाएगा 6xy - 4y इज इक्वल टू 4x + 3, इसमें x है इसमें x है भाई आ जा, तो ये हो जाएगा 6xy - 4x इज इक्वल टू 4y + 3, एक्स कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 6y - 4 इज इक्वल टू 4y + 3, तो यहां से एक्स हमारा आ जाएगा 4y + 3/6x - 4, ठीक है। अब 6y - 4, ठीक। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब आप वाई की वैल्यू डाल रहे होंगे तो आपको सिर्फ इस चीज का डर होगा कि कहीं वाई की ऐसी कोई वैल्यू आपसे ना डल जाए जिससे कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी आपका फ्रैक्शन कहीं गलती से अनडिफाइंड ना हो जाए। अगर आपका फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो गया किसी वाई की वैल्यू डालने पर, तो आपको वो वाई की वैल्यू नहीं डालनी थी, वो आपकी गलती है,
यहां पर y अगर आपने डाल दिया 2 by 3 आपने डाल दिया, तो y 2 by 3 अगर आपने यहां पर डाल दिया तो 2 by 3 तो ये 4 minus 4 0 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 by 3 y की वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है। रियल नंबर माइनस 2 by 3 पहले निकाल दिया, भाई आप 2 by 3 y की वैल्यू डाल नहीं सकते, तो ये 2 by 3 डाल नहीं सकते, तो ये 4 minus 4 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, ये अनडिफाइंड होगा नहीं, तो y की कोई भी वैल्यू विदाउट एनी हेजिटेशन यहां पर पुट कर दीजिएगा, और किसी भी y की वैल्यू के लिए कोई ना कोई x रियल नंबर में जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अब ये लिख दीजिएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, पता है आपको देयर एग्जिस्ट अ x, हेंस इट इज एन ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑन टू भी है, ठीक है जी। अब इसके इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स के लिए सेम मेथड, आप यहां तक आ गए होंगे, यहां तक आ गए होंगे, x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, लेकिन आप दोबारा करेंगे, आप दोबारा करेंगे अपॉन 6y माइनस 4, यहां तक आप आ गए होंगे। भाई आप फंक्शन ऑफ x को y मान के चले थे, तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y, तो x की जगह f इनवर्स y लिख दीजिएगा, ये आ गया 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। अब करिएगा ये कि ये इनवर्स निकल के आ गया फंक्शन का, बट ये इन टर्म्स ऑफ y आया है, आपको इन टर्म्स ऑफ x चाहिए इनवर्स, तो जस्ट रिप्लेस y बाय x, तो f इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो ये आपके दिए गए फंक्शन का क्या है, इनवर्स है।